मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। आपको मालूम है चूना, चूने को इसी तरह से जैसे बताया हुआ है आप यूज कर लीजिए तो जुकाम ठीक कर देगा। एलर्जी आते हैं, चलो एलर्जी पे। एलर्जी जो है उसकी आपके घर में जो सबसे अच्छी दवा है वो एक ही है, उसका नाम है गाय का घी, देशी गाय का घी। आपने थोड़ी देर पहले कहा ना छींके बहुत आती हैं, बार बार छींके आती हैं, तो ये एलर्जी का सिम्टम है। तो एलर्जी है, बार बार छींके आ रही हैं, बार बार जुकाम हो रहा है, तो एलर्जी ही है समझ लीजिए। और इसी से जुड़ी हुई और एक बीमारी है स्नोफीलिया, वो एलर्जी का ही भाई है ऐसा समझ लीजिए। इन दोनों डिसीज में बहुत अच्छी जो मेडिसिन है हमारे पास वो है देशी गाय का घी। इसको क्या करना है, नाक में डाल के सोना है, एक एक बूंद देशी गाय का घी रात को सोते समय दोनों नाक में डाल के सोना है, हल्का गुनगुना करना है, हल्का गर्म करना है तभी नाक में जाएगा, और डालने के बाद ऐसे खींचना फिर सो जाना। लगातार 15-20 दिन अगर आपने किया तो 40 साल पुरानी भी एलर्जी ठीक कर देता है, स्नोफीलिया ठीक कर देता है। बादाम रोगन नहीं, घी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो आप इसको इस्तेमाल करिए। और ये क्या काम कर देता है घी, जिनको नींद नहीं आती अच्छी उनकी बहुत नींद आएगी अच्छी है जी। सरसों का तेल, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, जो चीज मैं नहीं जानता उसके बारे में नहीं कह सकता, मैं जो जानता हूं और खुद करता हूं पिछले 12 साल से वही कह रहा हूं। देशी गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में डाल के सोना तो एलर्जी खत्म करेगा, छींक भी ठीक कर देगा, और क्या क्या ठीक करता है। रात को जिनको नींद नहीं आती अच्छी उनकी नींद आएगी बहुत अच्छी। खर्राटे बिल्कुल बंद, एक ही दिन में, दूसरा दिन नहीं लगता, पहले ही दिन में बंद। हाँ बिल्कुल ठीक कर देगा, साइनस ठीक कर देगा, नाक में मांस पड़ गया वो ठीक कर देगा। और कई बार क्या होता है, नाक में सांस लेने के लिए स्पेस कम हो गया तो बहुत लोग मुंह खोल के सोते हैं, उनका मुंह बंद करा देगा ये, वो बंद करके ही सोएंगे। नहीं कुछ नहीं मिला, सिंपल गाय का घी, बस हल्का गर्म करना है ताकि दल जाए आसान। और ये क्या क्या कर देता है, मैंने है जी 15-20 दिन कम से कम, 3 महीने अधिक से अधिक। और ये क्या क्या कर देता है, मैंने कई बार इससे ब्रेन में ब्लॉकेज निकाले, ब्लड अगर ब्लॉक हो गया ना, कई बार हार्ट अटैक आ गया या सॉरी पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग निकालने की ये सबसे अच्छी दवा है देशी गाय का घी। ये ब्रेन के हर उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता नाक के थ्रू। इसकी बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, डॉक्टर बहुत हैरान है, जिन जिन डॉक्टर को मैंने ये बताया कि ब्रेन के कई ऐसे हिस्से हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया आज तक, ना डॉक्टर पहुंच पाया ना कोई मेडिसिन पहुंच पाई, लेकिन ये घी पहुंच जाता है। वन मंथ नहीं, 15-20 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 3 मंथ, फिर 15-20 दिन ब्रेक करके आगे भी कर सकते हैं, आपको इससे नुकसान कुछ नहीं आएगा ये पक्का रखिए। फायदे इतने हैं इसके, क्या होगा, एक दो दिन आपको नाक से सारा रेशा गिरेगा, एक दो दिन वो सब कचरा जो जमा है वो निकालेगा, पहले ये सफाई करता है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है क्लींजिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ सब जुकाम अगर जमा है, बलगम जिसको आप कहते हैं कफ, वो सब निकाल देता है ये, एक दो दिन निकालेगा, फिर उसके बाद इतना रिलैक्स हो जाएंगे आप कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे। जर्सी गाय का घी आप इस्तेमाल करेंगे, परिणाम नहीं आएगा तो फिर आप कहेंगे मैंने बताया कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ देशी गाय का घी। हाँ एक मिनट, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, सुन लीजिए सब, अगर 3-4 साल पुराना है तो वो घी नहीं अमृत है, और 10 साल पुराना है तो उससे भी अच्छा,
गाय का देशी घी जितना पुराना होता जाता है कीमत उसकी उतनी बढ़ती जाती है, वैल्यू उसकी उतनी बढ़ती है जी। बाजार में नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति जो देशी गाय पालता होगा उसके पास मिल जाएगा वो भी जी। स्किन पे अभी आ रहा हूं थोड़ी देर, अभी बात चल रही है स्नोफीलिया की, बात चल रही है नक्सीर की। नक्सीर आप समझते हैं, नाक से खून आ जाता है, उनकी भी ये बेस्ट मेडिसिन है देशी गाय का की। जी उनको बोल सकते हैं मुझे मिल ले अपनी रिपोर्ट के साथ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नक्सीर की बात हुई ना, कई बार गर्मियों में खून गिरता है, कई बार वो इतना गिरता है कि परेशान हो जाते हैं लोग, तो ये घी डालना शुरू कर दीजिए, खून निकलना तुरंत बंद, ब्लड को तुरंत क्लॉट करता है, एक तरफ खून निकालने में मदद करता है जमा हुआ खून, और एक तरफ नए खून को जमा देता है, दोनों ही क्वालिटी इसमें एक साथ है। हाँ बता रहा हूँ, अभी पहले बात चल रही है नाक की, अब आप नीचे पहुंच गए बॉस। तो आप इस घी को दवा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है।